just need to know what's on your mind. Assalamualaikum, Usama here. Welcome to my new vlog. ये यीस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आज हम शेफ बने हुए हैं सारे। ये भी शेफ है, वो भी शेफ है, मैं भी शेफ हूँ। और मैं बना रहा हूँ चिकन कढ़ाई। मत लेट हो जाइए सर। आज है बेसिकली एक बर्थडे पार्टी है, वो हम दे रहे हैं उमर भाई को। तो उसकी बस तैयारी चल रही है। तो ये आपको चीजें दिखाते हैं जो जो हम बना रहे हैं। ये बना रहे हैं हम चीजें जी। ये तो लिस्ट लगाई हुई है। ये क्रीम चाट है, पकौड़े हैं। ये क्या है? ये डो, पहले डो बनेंगे। अच्छा, फिर पिज़्ज़ा बनेगा। ओके, डो एंड पिज़्ज़ा है, फिर उसके बाद चना चाट है, फिर सेंजन। ये किधर से आ गया? अच्छा, मैं कह सेंजन पिज़्ज़ा आ गया। ये किधर से आ गया सेंजन पिज़्ज़ा? ओके, उसके बाद चिकन कढ़ाई है, और फिर ये रोल है, और ये फिर नीचे गिर गया हमारे साथ। ठीक है जी, देखो मेक योर वर्क क्रिएटिव। हमने बना के इसलिए लगाया ताकि हमें पता चलता रहे हम क्या क्या बनाना है। ये मेरा ऑयल फुरकने लग गया है, इसमें हम पहले प्याज ऐड करते हैं। ये जी अभी आवाज आएगी प्याज की। हाँ, तो इसमें चिकन कढ़ाई है जी मेरी ड्यूटी, क्रीम चाट मेरी ड्यूटी है, चने चाट नजम की ड्यूटी है। इसने बहुत अच्छी बनाई थी लास्ट टाइम चने चाट, और खीर बनाई थी, कसम से मजा आ गया था, तारीफ कर दिए भाई। और रियान की ड्यूटी है पीते की, और साथ पकड़ा है नीचे से पकौड़े नीचे से पैसे पकड़े थे, पैसे नहीं मिले भाई, मैं अपने वर्ड वापस ले। देखो पाकिस्तान से बाहर आ गए माइंड भैया क्या करे, पैसों की सबको जरूरत होती है। तो रियान बनाएगा पिज्जा और पकौड़े बनाएगा, और साथ में फिर ये हो क्या है, हाँ उश्कंज भी है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी चीजें अभी तकरीबन रह गई हैं, दो ढाई घंटे रहते हैं। ठीक है जी, बस ये मैंने अपना काम तो कर लिया आटे शाटे वाला, और अभी हमारी एंट्री हुई है घर में उमर भाई की, और उमर भाई आए हैं, और अब मैं हूँ ये उमर भाई है, और यहाँ पे गोश्त की कटाई हो रही है सामने के हाथों। तो अब बस ये गोश्त कटेगा पिज्जा के लिए, और डोश और राइस होने के लिए रखती है। कढ़ाई ऑलमोस्ट तैयार है। तो ये जी चिकन कढ़ाई होगी है तैयार हमारी फाइनली, और ये इधर हो रहे हैं आलू बॉयल चना चाट के लिए, और उमर भाई हमारे बर्थडे बॉय बर्थडे के लिए इनवाइट करने के लिए। और आज माशाल्लाह कितने साल के हो गए उमर भाई आप? बस ये ना पूछो यार उमर ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है कब याद आया। और ये पिज्जे के लिए चिकन कटिंग स्पेशल जो शेफ है आपका भाई है, आपको पता है मैं शेफ हूँ इनमें, सरदार साहब। और ये सरदार साहब ने डो तैयार की है उसके लिए, पिज्जा के लिए और नानों के लिए। तो ये लिस्ट अभी हमारी दो चीजें तैयार हो गई हैं इसमें से। नानी अम्मा के लिए नानो ये रियान रो रहा है, क्या नहीं लेने देता भाई, सांप नहीं लेने तूने, आलू काटने हैं। तो ये बन रही है चना चाट, नजम अपना काम कर रहा है, और मैं ये पिज्जे के लिए कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हम करेंगे क्रीम चाट बनाएंगे। जिंदगी में इतनी कुकिंग हमने कभी नहीं की जितनी कुकिंग आज हम पहली बार अपनी लाइफ में कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है कुकिंग करने में, बस थोड़ा सा रिग्रेट है कि हम थोड़ा सा टाइम पे स्टार्ट करते थे तो इतना प्रेशर ना होता। ये रियान जो है घंटे से समझ तो गई होगी रियान कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो अभी नजम को भी हम उसकी लैंग्वेज में समझाएंगे, उसका भी एक दो डाउट्स हैं उसके भी क्लियर करते हैं हम। तो हमने क्रीम चाट भी बना ली है, पकौड़े भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, बिफोर टाइम चीज़ें कर रहे हैं आज हम। तो ये निज़ाम सेट हो रहा है हल्का हल्का करके, और ये शिकंजवी बस रह गई हमारी। कितना टाइम रहेगा जी रोज़ा खुलने में? 3 मिनट। 3 मिनट रहते हैं, और बस ये हमारे पीले अंदर चले गए। ये नीचे वाली लाइट क्यों नहीं चल रही? वो हमें बस एक चीज़ का दुख है, हमारे मन खराब हो गया, इसका प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये तो गया। फिर भी खाएंगे, ये क्या खाएंगे तो आटा, उसका कुछ ना कुछ करेंगे जरूर हम। तो अब इसको देंगे जी नान की असल शक्ल। बिल्ली दौड़ गई है जब अब उधर ही रहता।
ये अभी इधर ही रहेगा क्योंकि हमारे पास इस वक्त दो नान अंदर लगे हुए हैं, ये तो ये होंगे फिर ये जी मैं भाई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं नया मॉडल ये देखिए शादी का ये देख से बनाया आपने, ये ऊपर से तरी नजर आ रही होगी, ये देख में बना है, मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसे है ये। थोड़ा सा झूठी मिट्टी कर दीजिएगा नहीं मजदार है मजदार है मारो ये जरा बंद करके ना बिहाइंड द सीन पूछते हैं फिर दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे, बाकी मजदार है चले चलो मजेदार लदीज बहुत जबरदस्त मेहनत की है अपनी अम्मी से पूछ पूछ के इसका बनाई थी लेकिन जबरदस्त बनाई डिश। और आज नजम ने आज जो चना चाट बनाई है उसने जबरदस्त चना चाट बनाई है, और जो रेहान ने ये पकौड़े बनाए रेहान ने ये भी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त रेहान ने पकौड़े बनाए हैं, उसके बाद पिज्जा मैंने और रेहान ने मिलके बनाए हैं बहुत मजेदार बने हैं, और साथ में क्रीम चाट थी वो तो हमने बस बाद में खाया, अभी तो मेहर भाई हम एक केक भी है, हाँ याद है अभी तो एक केक है वो भी काटना है, और मेहर भाई भी लेके आए हैं सरप्राइज, वो भी अभी खाना है, ब्राउनीज भी है, और फिनिश का वो क्या है मैमी फिनिश की वो मैमी है क्या मैमी हाँ मैमी वो फिनलैंड क्योंकि स्पेशल है वो देखने में तो गंदी सी लगती है लेकिन आपको दिखाएंगे फिर भी दिखाएंगे आपको दिखाते हैं आपको। तो हम आए हैं जी वाक पे बाहर, अब ये मेरा भाई भी आ गए, हम जा रहे हैं वाक पे, बहुत ज़्यादा खा लिया अब थोड़ा सा हज़म करते हैं घूमते फिरते हैं थोड़ा सा, और फिर केक काटेंगे इंशाल्लाह, और फिर आज के व्लॉग का इख्तिताम करेंगे वहीं पे, तो अभी ज़्यादा थोड़ी सैर करते हैं। ओके दिस इज द टाइम, अब हम बर्थडे मनाएंगे जी, टाइम क्या हो गया है जी 12:16 हो गए हैं जी, अब मेहर भाई की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो मेहर भाई को इसने मुझे दे रही है तुम्हें मारूं या इसको केक को मारूं, नहीं नहीं केक को दरमियान से काट देना दरमियान से पकड़ के, तो अभी आपको ये मेहर भाई जी केक काटेंगे जी, स्टार्ट करूं जी करें जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जी मड केक, आज पहली बाइट लेंगे जी मड केक की, देखते हैं जी कैसा है ये, इसके साथ ये चॉकलेट है, और ये हम इसका करेंगे जी टेस्ट, है तो हम चम्मच से जी रियान। अच्छा 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 है केक, मेहर भाई ने तो पहले मेरे ख्याल से आपने टेस्ट किया हुआ पहले भी, अच्छा यम्मी है मटकी अच्छी है, ये तू बता बे नजम मजे का जैसे पाकिस्तान में मोल्टन लावा होता है ना फिनलैंड की मम्मी मम्मी खाएंगे और ये है जी फर्स्ट एक्सप्रेशन मम्मी का, ये मम्मी देंगी, ये तो चॉकलेट मम्मी है, ये तो सोन हलवा सोन हलवा लग रहा है सोन हलवा डार्क सोन हलवा ना, ये चॉकलेट है इसके अंदर वो है बार्ले बार्ले वो क्या होता है बार्ले जैसे गंदम होती है उस तरह का, ये जो मम्मी है ये मेहर भाई हमारे लिए क्या मांग रहे हैं, फर्स्ट टाइम एक ये फिनिश फूड है, फिनिश स्वीट है ये ना, फिनिश डेजर्ट काइंड ऑफ थिंग, हां डेजर्ट का जो आज हम फर्स्ट टाइम क्रीम सर खाएंगे, क्रीम के टेस्ट करके बताओ कैसी लगी है,
नहीं जी, टेस्ट करते हैं जी। अच्छी लगी है? अच्छी आई इसको मम्मी, अच्छी लगी है फिनिश मम्मी। फिनिश मम्मी। काश इसमें थोड़ी सी शुगर होती तो शुगर मम्मी हो जाती। शुगर मम्मी चाहिए, शुगर मम्मी चाहिए, पैसे तो देगी थोड़ी। और ये मेहर भाई जी ब्राउनीज भी लेके आए हैं। और ये तुम्हारे रोल जो खराब हो गए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज का काफी अच्छा हमारा गया काम, और काफी चीजें बच भी गई हैं। हमने सारा खा नहीं सके, इतनी सारी चीजें थी। अभी भी हम एक चक्कर लगाए हैं, अभी सोच रहे हैं दूसरा चक्कर भी लगा लें क्योंकि इतना खाली है। तो मेहर भाई कैसा लगा, हमारी शेफगिरी कैसी लगी आपको? एक पॉइंट ऑफ व्यू दे अपना। काफी अच्छी लगी है, अभी लगता है दोबारा फायर वॉक के लिए जाना पड़ेगा। और रियाज सैरी से पहले चक्कर लगाते हैं और क्यों रियाज? बिल्कुल लगाना पड़ेगा, चक्कर का नहीं, खाना कैसा? रियाज मसाला तैयार कर, रियाज अपना सिमट तैयार कर रहा है। मम्मी खाने दो, उसने क्या था, मैंने भी खानी है शुगर मम्मी। नजम अपना लगा काम है, बिजी है वो, कर ले वो। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नए कंटेंट में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। I'm like, I'm just gonna pass on, I'm just gonna pass on, I'm just gonna pass on.